एवरीवन, वेलकम टू टाइटल हेस। और आज ही रेटनी शुरू करते हैं। और सवाल तो नहीं पूछूंगा आज, लेकिन आपसे ये कहूंगा कि मैंने अपना एक व्लॉग अपलोड किया अपने न्यूज चैनल पे जो मैं गोवा गया था इवेंट के अंदर, तो आप जाके देख लीजिए। उस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि मैं कभी न्यू कैमरा लेके एक अच्छा खासे व्लॉग्स फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैंने कोशिश किया कुछ अच्छे तरीके से व्लॉग बनाने के लिए, तो आप जाके वो लिंक आपको हमेशा से वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही रेटनी शुरू करते हैं और सवाल बीच में आप लोगों को पूछ लेता हूँ। पहली खबर की बात करते और आप लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओपन सिग्नल की यहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जियो की स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो गई है और यहाँ पे एयरटेल अब जो नंबर वन पोजीशन पे आ चुका है। अब जो ओपन सिग्नल होता है ये ओवरऑल रिपोर्ट देता है और बीच बीच में छोटी छोटी रिपोर्ट भी आती है। जैसे कि डाउनलोड स्पीड की बात करें तो बताया जा रहा है कि एयरटेल फिलहाल के लिए यहाँ पे एयरटेल की स्पीड सबसे ज्यादा है डाउनलोड स्पीड में, तो जियो यहाँ पे सबसे नीचे आ गया है। लेकिन ओवरऑल रिपोर्ट की बात करते तो आप लोगों को बता रहे थे कि जियो ने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी है और ओवरऑल नेटवर्क में जियो यहाँ पे नंबर वन पोजीशन पे आ चुका है। जी, यानी कि डाउनलोड से लेके अपलोड से लेके नेटवर्क से लेके यहाँ पे जियो की जो स्पीड है, जियो का जो बेस है, वो यहाँ पे नंबर वन पोजीशन पे है कंपेयर टू आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन के। अब यहाँ पे ये प्रूफ करता है कि जियो एक लंबी रेस का घोड़ा है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जियो काफी अच्छी चीज कर रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे जियो हमें काफी अच्छी स्पीड दे रहा है। तो लावा की तरफ से खबर आ रही है और यहाँ पे सरप्राइजिंगली लावा ने काफी सारे स्मार्टफोन्स अपने इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिए अपनी जेड सीरीज में। जेड 50 से लेके जेड 90 तक के 5,500 रुपए से लेके आपको 10,000 रुपए तक की प्राइस मिलती है और साथ में एक ऑफर आया जहाँ पे मनी बैक गारंटी 30 दिन के अंदर आपके अगर आपको फोन रिटर्न करना है तो आपको यहाँ पे कुछ रिफंड्स वगैरह मिलेगा। हो सकता है आधी अमाउंट मिले, पूरी अमाउंट मिले, फोन लेंगे तो ही हमें कुछ ऑफर मिलेगा ना, फोन लेगा कौन? क्योंकि आप लोगों को इन फोन के अंदर कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मीडिया टेक के प्रोसेसर मिलते हैं 3.7 वाले जो भी है, वो HD से ऊपर डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं जा रहे। हायर वेरियंट की बात कर रहा हूँ, डुअल कैमरा दे रहा है तो वो भी 8 और 2 का दे रहा है। लावा, व्हाट इज गोइंग ऑन बॉडी? तो जब से यहाँ पे जियो जो वो मार्केट में आया अपना फीचर फोन लेके, तब से सारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस अपने खुद के स्मार्टफोन से यहाँ पे लाने के ऊपर तुली हुई है। जी हाँ, यहाँ पे एयरटेल हम सभी लोगों को बताया कि अक्टूबर के अंदर अपने एक बजट कैटेगरी वाला स्मार्टफोन लेके आने वाला है। तो अब यहाँ पे BSNL भी लावा और माइक्रोमैक्स के साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप करा है और बोला है कि एक बहुत ही बजट कैटेगरी वाला स्मार्टफोन हमारे लिए लेके आएगा जो कि 4G वोल्टी सपोर्ट करेगा। जी हाँ, ऑब्वियसली BSNL यहाँ पे काम तो कर ही रहा था अपने 4G वोल्टी सपोर्ट के लिए, तो अब यहाँ पे BSNL भी एक स्मार्टफोन लाएगा जिसके अंदर बजट कैटेगरी वाला 4G वोल्टी स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पे BSNL ने कहा है। प्राइसिंग की बात करें तो 2,000 रुपए तक की जो वो हो सकती है, बहुत ही अच्छी बात है। लड़ाई तो इन लोगों की हो रही है, फायदा यहाँ पे हमारा ही हो रहा है। तो अगर आप MobiWeek एप्लीकेशन यूज करते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह भरने हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर आया है MobiWeek की तरफ से, जहाँ पे आप लोग को हर महीने 300 रुपए तक का कैशबैक यहाँ पे जो वो मिल सकता है। जी हाँ, यानी कि ये September 2018 अगले साल तक का जो लागू है, हर महीने आपको 300 रुपए तक का कैशबैक यहाँ पे ये MobiWeek एप्लीकेशन देगा। अगर इसी एप्लीकेशन के जरिए और वेबसाइट के जरिए अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हैं बिल्स वगैरह के, तो मेरे सबसे आप लोगों को बहुत ही अच्छा ऑफर मिल रहा है। तो जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, बिल्स भरिए और काफी सारे कैशबैक का ऑफर्स यहाँ पे जो वो उठा लीजिए। यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि HMD यहाँ पे नोकिया के काफी सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है। अब यहाँ पे नोकिया ने अपने स्मार्टवॉच यहाँ पे जो वो लॉन्च कर दिए, जहाँ पे नोकिया स्टील, नोकिया गो और नोकिया HR करके 3 स्मार्टवॉच है, जिसके अंदर आपको नोकिया गो जो वो एक बजट कैटेगरी वाला स्मार्टवॉच मिलता है, जहाँ पे नोकिया HR सबसे प्रीमियम कैटेगरी का आपको स्मार्टवॉच मिलता है। अब ये जो स्मार्टवॉच है इसकी प्राइस यहाँ पे बताया जाएगी 1,200 रुपए के आसपास आपको मिलती है, जहाँ पे दूसरी कंपनीज भी हमें कुछ इस तरीके की स्मार्टवॉच देती है। अब नोकिया यहाँ पे स्मार्टवॉच इंडस्ट्री के अंदर भी जो है एंटर कर दिया है, जहाँ पे आप लोग को वही सारे चीजें जो वो हर एक स्मार्टवॉच में देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके की डिजाइन होगी, आपको वही हार्ट रेट सेंसर, नोटिफिकेशन वगैरह, कैलोरीज, ये वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो नोकिया भी फाइनली यहाँ पे स्मार्टवॉच इंडस्ट्री में आ गया है और देखते हैं कि नोकिया आगे हमारे लिए फ्यूचर में क्या क्या लेके आता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर व्हाट्सएप और यूट्यूब जो है वो बैन किया जाएगा। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन यहाँ पे इसकी सच्चाई है कि व्हाट्सएप और यूट्यूब सिर्फ जो रेलवे यानी कि जो रेल जो ट्रेन चलाते हैं उन लोगों के लिए जब वो काम करते उस समय यहाँ पे जो वो बैन किया जाएगा, यानी कि उन लोगों को यूज करने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। यानी कि 2017 में काफी सारी जाने गई है रेलवे के अंदर, जहाँ पे इन लोगों की लापरवाही से काफी सारे लोगों की जान गई है। अब यहाँ पे जो रेलवे ऑफिशियल्स होते हैं जो काम करते हैं, वो क्या कहते हैं कि ट्रेन चलाते चलाते व्हाट्सएप और यूट्यूब यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं। इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें जब वो लोग काम करेंगे तो काम के टाइम पे इसको जो वो बैन किया जाएगा और उन लोगों को यूज करने नहीं मिलेगा। तो इंडिया के अंदर जब भी जो रेल, अब तो हम तो चलाते नहीं है और हमें शायद से ऐसा लगता है कि इस चीज से काफी जगहों पे सेफ्टी होगी और ये लोग जो लापरवाही यहाँ पे नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। घर पे जाइए और व्हाट्सएप और यूट्यूब यूज करिए, ना कि काम पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे दूसरी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है अपार्ट फ्रॉम जियो, अब जियो की कोई खबर तो यहाँ पे नहीं आई है, ये सारी कंपनीज यहाँ पे मिला के बताया जा रहा है कि 1.5 लाख जॉब यहाँ पे कट हो गए। जी हाँ, यानी कि काफी सारे लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, वो इसलिए क्योंकि कुछ कंपनी ने यहाँ पे रीजन दिया कि उनके ऊपर कर्जा हो चुका है, तो कुछ कंपनी यहाँ पे रीजन दिया
कि जो दूसरी कंपनीज जो फ्री चीजें दे रही है उस वजह से यहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयज है यहाँ पे वो प्रॉब्लम में है, शायद से उनकी जॉब यहाँ पे जो वो कट हो सकती है। अब देख लेते कि ये कंपनीज यहाँ पे बता रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया के अंदर काफी सारे जॉब्स ओपन हो गए लेकिन यहाँ पे जॉब्स यहाँ पे कट हो रहे, तो बहुत ही बुरी बात है। जो बेचारे एम्प्लॉयज होते हैं अब उन लोगों को शायद से कहीं दूसरी जगह पे जॉब ढूंढना पड़ेगा, तो ये भी एक सैड न्यूज यहाँ पे सामने आ चुकी है। यहाँ पे धीरे धीरे बादल आ चुके हैं, पता नहीं फिर बारिश होगी नहीं होगी, और मेरा यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और वीडियो का मजा उड़ चुका है। तो बात करते हैं यहाँ पे एक और खबर आ रही है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एज ब्राउजर जो वो एंड्रॉइड और आईओएस के लिए फाइनली ऑफिशियल कर दिया है। फिलहाल के लिए सबसे पहला ये ब्राउजर जो वो आईओएस में आएगा और उसके बाद आपको एंड्रॉइड में देखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एज आपको विंडोज की पीसी में मिल जाता है, एक ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा होता है। साथ में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने यह कहा कि एंड्रॉइड के अंदर वो खुद का माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर लेके आएंगे जो कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को पहले मिलेगा, बाद में हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो फाइनली अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का जो एक्सपीरियंस है अपने मोबाइल फोन में उठाना है तो ये अपडेट बहुत ही जल्दी आ जाएगा और आप लोग को जरूर समय बता दूंगा। फाइनल टेक न्यूज़ और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे सैमसंग गैलेक्सी एस वाला स्मार्टफोन, हम सभी लोगों को बताया कि बताया जा रहा है बहुत जल्दी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी एस नाइन और एस नाइन प्लस के साथ में ये लॉन्च नहीं होगा, जो कि रूमर्ड है कि नेक्स्ट ईयर MWC 2017 में सैमसंग अपने एस नाइन को लॉन्च करेगा। सैमसंग ने कहा कि वो सैमसंग एस नाइन और एस नाइन प्लस की जो हाईलाइट जो चीज है, मतलब लोगों का जो अट्रैक्शन है वो उससे हटाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो एक्स लॉन्च कर देता है तो लोगों का ध्यान एक्स पे चला जाएगा। अब यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी जो एक्स आएगा अब उसको क्या नाम देगा नहीं पता, लेकिन बता दें कि नोट सीरीज के अंदर भी हमें कुछ फोल्डेबल स्मार्टफोन सैमसंग लेके आने वाला है। फिलहाल के लिए वो एक्स से इंट्रोड्यूस करेगा फोल्डेबल स्मार्टफोन और शायद से हमें 2017 या 2018 की स्टार्ट में अलग से सेपरेट इवेंट में देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं कि ये स्मार्टफोन क्या होता है, सबसे पहला स्मार्टफोन हो सकता है शायद से जो ऑफिशियली लॉन्च होगा और लोगों के हाथ में हमें जो देखने को मिल सकता है। तो आज की टेक्निक यहीं पर खत्म होती है, उम्मीद करता आपको आज की टेक्निक पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आता है जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक्निक्स लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।